ओके तो स्टूडेंट, अब हमारा जो टॉपिक है वो है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ओके, अब देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि अभी तक हमने 12th स्टैंडर्ड में क्या क्या पढ़ लिया, उसका थोड़ा सा रिवीजन होना हमारे लिए जरूरी है। अब वो क्या क्या चीजें हैं, देखो, सबसे पहले आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया, फिर आपने मैग्नेटिक फील्ड भी पढ़ लिया, उसके बारे में भी आपको जब सारी नॉलेज हो गई, फिर हमने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बताया, ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में बताया। ऑल्टरनेटिंग करंट में हमने क्या डिस्कस किया, जो साइनोसॉइडल फंक्शंस है उनकी आरएमएस वैल्यू, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरफ गए तो हमने कंप्लीटली डिफरेंट फिनोमिना हमने एक रिकॉग्नाइज किया कि भाई इस तरह की भी चीज होती है। तो अभी कुछ ज्यादा समय नहीं बीता था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अभी डेवलप ही हुई थी कि उसके बाद एक नया प्रॉब्लम खड़ा हो गया, तो वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विद द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। इसको कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स बेटा, ठीक है ना। तो अब ये आ गया मेरे पास हिस्ट्री। ये जो भी चैप्टर हम आज पढ़ने वाले हैं और इसका जो भी कंक्लूजन निकलेगा वो इतना खतरनाक कंक्लूजन है, उसी सब चीजों को हम मॉडर्न फिजिक्स के नाम से जानते हैं। न्यूटन वाली जो है उसको हम बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स, और जो आगे आ गया वो इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म का नाम हो जाता है। दिस फिजिक्स इज कॉल्ड द मॉडर्न फिजिक्स। तो सबसे पहले टू स्टार्ट विद हमने एक क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज लाइट। ये लाइट क्या है? तो सबसे पहले जो हमारे साइंटिस्ट हुए वो हुए न्यूटन जी। अब न्यूटन 1675 में आए, और मैंने आपको बड़ी बार बता दिया कि किसका टाइम था, ये औरंगजेब का टाइम था इंडिया में। सो एट दैट टाइम, दोस टाइम्स, इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी विच इज नोन एज क्लासिकल मैकेनिक्स। अब ये बात कहना कि भी न्यूटन को ज्यादा अक्ल नहीं थी, ये वो, ये तो बहुत गलत बातें हैं। क्यों? क्योंकि न्यूटन ने सिर्फ फिजिक्स ही नहीं, न्यूटन ने तो मैथ्स में भी, अगर आप बात सोचो कि भी कैलकुलस बनाया, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की सारी टेक्निक न्यूटन की बनाई हुई है। तो न्यूटन इज बेसिकली दी वन एंड दी ओनली साइंटिस्ट जिसने सारी की सारी साइंस को जन्म दिया है, मतलब ये इतना तगड़ा साइंटिस्ट था न्यूटन। तो न्यूटन ने क्लासिक मैकेनिक्स बनाया, बट पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट एट दैट टाइम देयर वाज नथिंग नोन एज वेव्स। वेव्स नाम की कोई चीज नहीं थी, और क्लासिकल मैकेनिक्स में एक चीज बहुत ही ज्यादा सोची जाती है, दैट इज बॉडी। तो वन बॉडी इज सेपरेट फ्रॉम अनदर बॉडी, ये हमारे पास पूरे का पूरा फिनोमिना चलता है, इस बात को याद रखना। मतलब अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक बॉल थी, मैंने दीवार पे मारा, तो दीवार इज अ डिफरेंट बॉडी एंड बॉल इज अ डिफरेंट बॉडी। सो ये एक डिस्क्रीट सिस्टम में काम करती है, डिस्क्रीट, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट सिस्टम। डिस्क्रीट सिस्टम मतलब हर मॉलिक्यूल अलग है, हर चीज अलग है, हमने एक एक तुक्का तुक्का अलग करके रखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट सिस्टम। तो ये हो गया क्लासिकल मैकेनिक्स का न्यूटन। देयर वाज नथिंग नोन एज वेव एट दैट टाइम, एंड ही गेव अ थ्योरी अबाउट लाइट। जब इनसे पूछा गया कि व्हाट इज लाइट, तो ही सेड दैट कॉर्पस्कुलर थ्योरी, इन्होंने एक थ्योरी दी, एंड ही सेड दैट लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ऑब्वियसली न्यूटन की तो सारी की सारी थ्योरी पार्टिकल्स के अराउंड ही है, सेंटर ऑफ मास, ठीक है, कोलिजन्स, तो उस कोलिजन और ये सब के जो प्रिंसिपल्स हैं, आप सोच के देखो कि न्यूटन ने इसको थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल पे अप्लाई किया। तो जो केटीजी आपने चैप्टर 11th में पढ़ा था, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, उसमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सबको हमने मॉलिक्यूलर थ्योरी और मॉलिक्यूल की कोलिजन से, इलास्टिक कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स के ऊपर लाकर रोक दिया था, और हमने उसको एक्सप्लेन भी कर दिया परफेक्टली। तो आप सोच के देखो कि न्यूटन के दिमाग में क्या चल रहा होगा कि यार जब इतनी छोटी छोटी लेवल की चीज भी मैंने पार्टिकल फिजिक्स से खत्म कर दी, तो लाइट क्या चीज है? तो इन्होंने लाइट को भी एक पार्टिकल ही माना। तो इन्होंने बोला कि यार लाइट भी पार्टिकल ही है, तो आपके पास अगर कोई एक रे जा रही है यहां से, लेट्स से दिस इज द रे, तो इन्होंने बोला कि इसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं जी, छोटे छोटे जैसे, और ये पार्टिकल्स जो है जैसे इलेक्ट्रॉन वेव होती है, कैथोड रेज हम बोलते हैं, पॉजिटिव रेज और नेगेटिव रेज और ये वो, तो उसमें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के पीछे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पीछे इलेक्ट्रॉन, वैसे ही इसमें हमारे पास पार्टिकल्स होंगे। आई डोंट नो व्हाट दिस पार्टिकल्स आर, सो लेट अस कॉल इट कॉप्स। कॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी। तो
तो बेसिकली ही वांटेड टू से बॉडी, तो यहाँ पर कोई ना कोई बॉडी थी, बॉडी के पीछे बॉडी, बॉडी के पीछे बॉडी है, एंड द लाइट इज मूविंग इन दैट वे, दिस नथिंग स्पेशल अबाउट इट, उसने बोला कोई अलग चीज नहीं है। लेकिन ये थ्योरी बहुत ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई, 1678 में एक नई थ्योरी आ गई एंड द नेम ऑफ द साइंटिस्ट वॉज हाइगन एंड ही गेव हाइगन्स वेव थ्योरी। तो इन्होंने सबसे पहले शब्द यूज किया वेव एंड ही सेड दैट दिस इज वेव, वेव होती क्या है उसके ऊपर इन्होंने बताया व्हाट इज ए वेव, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वेव, वो सारी की सारी हाइगन की थ्योरी है। दिस टॉपिक विल बी कवर्ड इन वेव ऑप्टिक्स, जो कि हम हमारी ट्वेल्थ की लास्ट टॉपिक होगा, दैट इज वेव ऑप्टिक्स। तो ये हाइगन की थ्योरी है, वेव थ्योरी। तो इन्होंने उस वक्त, अब वेव जैसे हमने 11th में पढ़ा है, तो वी नो दैट वेव्स आर ऑफ टू टाइप, मैकेनिकल वेव्स एंड नॉन मैकेनिकल। तो नॉन मैकेनिकल की तो उस वक्त आप बात ही मत करो, इसको तो मैं डिलीट ही कर देता हूँ, क्योंकि नॉन मैकेनिकल का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, तब तक तो मैकेनिकल वेव्स ही नहीं पता थी किसी को, तो हमने यहाँ पर बना दिया। तो हाइगन ने बोला कि मैकेनिकल वेव्स होती हैं जी। तो मैकेनिकल वेव्स के बारे में आप सब कुछ जानते हो, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, एक होता है ट्रांसवर्स वेव्स, तो इस तरह से इन्होंने पूरी की पूरी बनाई। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के एक हमारे पास सबसे पहला एग्जाम्पल आया साउंड। तो इन्होंने, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि साउंड के ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट्स किए, सारी की सारी थ्योरी हमने साउंड के ऊपर लगाई, ठीक है, एंड वी फाउंड दैट एवरीथिंग वाज कमिंग आउट टू बी करेक्ट। तो साउंड के केस में हमने, अब लास्ट चैप्टर में, 11th चैप्टर में आपको याद होगा, वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन अ स्ट्रिंग और स्ट्रिंग वेव की जो वेलोसिटी थी दैट वाज गिवन बाय दिस, वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन इन सॉलिड वॉज गिवन बाय दिस, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना, एंड वेलोसिटी इन एयर और इन लिक्विड इट वॉज गिवन बाय बल्क मॉडुलस मेटर बाय दिस। तो यहां से न्यूटन ने यहां पर एक फॉर्मूला बनाया था, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी थ्योरी आप सोच के देख लो कि औरंगजेब के जमाने की थ्योरी है। अब यहाँ पर जो न्यूटन ने, हाँ बेटा बताओ सर, स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रही सर, बच्चे स्क्रीन शेयर हो रखा है, आप देखो कि आपने ना वहां पर सिलेक्ट नहीं किया हुआ, आपने वो पिन कर दिया गलती से। आप यहाँ तो ऐसा करो, काट के दोबारा से ज्वाइन कर लो, आपका चल जाएगा, ठीक है ना। हाँ भाई, किसी और को प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? नहीं सर। हाँ भैया, अब आ रही है? ओके, बच्चे तो तुमने इतनी लेट क्यों बोला, तो मुझे पहले ही बोल देते, इतना कुछ करवा दिया, इतना कुछ लिख दिया, तुमने अभी बोला। चलो बीच में, चलो एनीवेज, तो बीच में कोई प्रॉब्लम आई ना, तो तुम्हारा हाथ लग गया गलती से स्क्रीन पे, तो तुमने किसी और स्क्रीन को पिन कर दिया था, मिस्टेक कर ली। चलो एनीवेज, तो अब हमारे पास ये आ गया, मेरे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की वेलोसिटीज का फॉर्मूला, और न्यूटन ने फिर ई की जगह पर पी रख दिया, सॉरी ये वाले फॉर्मूले की जगह नहीं, सॉरी इसकी जगह आना था। तो न्यूटन को करेक्ट किया हमारे किसने, लैपलास ने, तो एक लैपलास करेक्शन हो गया, तो यहां पर हमारे पास वेलोसिटी बन गई गामा पी बाय रो, सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं बेटा, ठीक है ना। तो ये आपके पास एक बन गई वेलोसिटी, तो यहां से आपकी जो वेलोसिटी की वैल्यू आती है ये बिल्कुल साउंड की वेलोसिटी जितनी आती है, दैट इज कमिंग आउट टू बी 332 किलोमीटर पर आवर। तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, हमने कहा ठीक है भाई, जो आपकी थ्योरी है, न्यूटन के टाइम पे न्यूटन ने ये बात बोली, न्यूटन, लैपलास, हाइगन, ये सारे क्लासमेट्स हैं एक तरह से। तो इन लोगों ने बोला कि यार भाई मैकेनिकल वेव की थ्योरी बिल्कुल 100% करेक्ट है, डाउट ही नहीं है किसी को। तो हाइगन की जो वेव थ्योरी थी वो 100% एक्सेप्ट कर ली गई। जब हम ट्रांसवर्स वेव की बात करते हैं, एट दैट टाइम ऑल्सो अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करूं, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी डिवाइडेड बाय रो किया जाता है, ठीक है। तो ये ट्रांसवर्स वेव होता है, बट एनीवेज आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल, ठीक है ना। तो यहां तक मैं इसको एक पार्ट बनाकर मैंने छोड़ दिया, सुनाओ व्हाट इज हैपनिंग। तो अब हमने क्या किया, गलती की इन्होंने, गलती ये की कि इन्होंने लाइट को भी मैकेनिकल वेव समझ लिया,
क्योंकि उस वक्त कोई और वेव तो थी ही नहीं, तो देवर नॉट रॉन्ग बी बट देवर इनकम्प्लीट। तो उन्होंने बोला कि भाई लाइट भी एक मैकेनिकल वेव होगी तो उसमें हम देख लेते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली हमें ये बात पता चली लाइट के लिए कि द स्पीड ऑफ लाइट इज गिवन बाय 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक्सपेरिमेंटली हमें पता चल गया एंड वी वर श्योर दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज दिस, देयर इज नो डाउट इन इट। लेकिन अब हमें समझ में ये नहीं आया कि यार ये कैसी वेव बन गई, क्योंकि जो मैकेनिकल वेव है, मैकेनिकल वेव के फॉर्मूले तो सारे के सारे मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। तो अगर मैं इसको क्या मानू, अगर मैं इसको ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव मानूंगा तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, अगर मैं इसको लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव मानूंगा तो ये वाले 3-4 फॉर्मूले लगेंगे। तो ये सारे के सारे अगर मैं फॉर्मूलों को देखूं तो मेरे पास यहाँ पर फॉर्मूला एक लौटता जो मेरे काम का निकल के आता है, वो आता है ये। अगर ये नहीं मैं लिखना चाहता, लेट अस से मैं अगर बोलूं कि लाइट इज नॉट लॉन्गिट्यूडनल इट इज ट्रांसवर्स, तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी लगाना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय रो करना पड़ेगा। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मुझे लगता है कि आपको पता होगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में किया था, शियर वाला थर्ड टाइप जो था रिजिडिटी, ठीक है ना। आई एम श्योर कि आपको किसी को भी ये चीज याद नहीं है, बट एनीवेज, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो चैप्टर था उसको आप रिवाइज कर सकते हो एक बार अगर आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। तो मेरे पास ये बन गया। तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर मैं यूज करूं और मुझे वेलोसिटी इतनी हाई चाहिए हो, 10⁸ चाहिए हो, तो इसका मतलब ये हो गया कि आई एम टॉकिंग अबाउट अ मीडियम, क्योंकि मैकेनिकल वेव्स दे ऑलवेज नीड अ मीडियम टू ट्रेवल, इनको एक ना एक मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए। तो लाइट भी अगर ट्रेवल कर रही है तो किसी ना किसी मीडियम के थ्रू ट्रेवल करेगी, विदाउट मीडियम तो वेव ट्रेवल हो ही नहीं सकता, अभी तक की अंडरस्टैंडिंग ये थी। और फिर इन्होंने बोला कि भाई जो हमारा मीडियम होगा वो कैसा होगा, नंबर वन उसकी इलास्टिसिटी बहुत ही ज्यादा हाई होगी, एंड नंबर टू डेंसिटी बहुत ही ज्यादा लो होगी। हमें किस तरह का मीडियम ढूंढना पड़ेगा। अब ना तो ये लिक्विड है, ना तो ये एयर है, ना पानी है, ना हवा है, ना बर्फ है, अब ये कौन सा मीडियम है। अब इस पर सवाल उठने लगे कि भाई ये मीडियम कौन सा है, आपने थ्योरी तो दे दी कि लाइट इज ऑल्सो ए वेव, लेकिन अब ये क्या करें। तो अब मीडियम हमें नहीं मिला तो हमने इसका एक मीडियम का नाम रखा ईथर या इथरिक फ्लूइड। और इस बात को याद रखना ये केमिस्ट्री वाला ईथर नहीं है, डोंट कंफ्यूज इट, वो ईथर परफेक्टली करेक्ट केस है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये इथरिक फ्लूइड बड़ा ख्याली पुलाव वाला इथरिक फ्लूइड है, ठीक है ना। ये बेसिकली ये काइंड ऑफ बाइबल से भी रिलेटेड है इसकी थ्योरी, तो काइंड ऑफ दैट काइंड ऑफ अ फ्लूइड है। चलो तो इसके बाद हम चलते हैं आगे। तो इथरिक फ्लूइड हमारे पास एक और ही कोई एक फिक्टिशियस एक फ्लूइड बन गया मीडियम। अब इसकी डिस्कवरी के ऊपर काम चलने लगा, बट दे कुड नॉट डिस्कवर एनीथिंग, नो सच डिस्कवरी। कोई ऐसी डिस्कवरी नहीं हो पाई और कोई भी ऐसी डिस्कवरी रिपोर्ट नहीं की गई कहीं पे भी। तो यहां पर समझ नहीं आ रहा कि भाई अब क्या किया जाए। वेव ऑप्टिक्स के बेसिस पे जो हाइगन की वेव थ्योरी है, इसके बेसिस पे इन्होंने 2-3 जो थ्योरीज थी उनको भी एक्सप्लेन कर दिया। कौन कौन सी थ्योरी को एक्सप्लेन किया, नंबर वन इंटरफेरेंस, नंबर टू पोलराइजेशन, एंड नंबर थ्री इज डिफ्रैक्शन। तो लाइट इज अ वेव, ये हमें कैसे प्रूफ किया। हाइगन ने अपनी जो वेव थ्योरी थी, जो मैकेनिकल वेव थ्योरी थी, उसकी मदद से 3 ऐसी थ्योरीज को प्रूफ कर दिया, जिसके कारण हाइगन की थ्योरी पर किसी को शक ही नहीं रहा। उन्होंने कहा कि नहीं यार ये बिल्कुल करेक्ट है थ्योरी, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन ये वाला मीडियम नहीं मिल रहा, भाई इस मीडियम को ढूंढो आप। तो अब ऐसा हुआ कि तकरीबन तकरीबन लाइक 200 साल टप गए इस मीडियम को ढूंढते हुए, लेकिन हमें वो मीडियम ना मिला। और अब यहां पर मेरे पास थर्ड एक खोज होती है, 1862 में मैक्सवेल आ जाते हैं पिक्चर के अंदर। तो मैक्सवेल ने अपनी डिस्प्लेसमेंट करंट की थ्योरी दी और किसी और तरीके से पहुंचते हुए उन्होंने एक थ्योरी दे दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इन्होंने ये एस्टैब्लिश कर दिया कि लाइट इज एन
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इन्होंने बोल दिया कि लाइट जो है वो मुझे तो लगता है भाई कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड जो है मूव करने की, रीजंस क्या दिए इन्होंने, इन्होंने सबसे पहला रीजन दिया कि द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और स्पीड ऑफ लाइट इज ऑल्सो दिस। दूसरा रीजन इन्होंने दिया कि नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। कि भाई कोई मीडियम रिक्वायर्ड ही नहीं है ट्रेवल करने के लिए। तो अगर आप सन से भी मूव करके आ रहे हो, लाइट जो है, इसने बोला कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो लाइट हमारी सन से अर्थ तक आ रही है और स्पेस में कुछ भी नहीं है, खाली है स्पेस। तो वहां से जब हमारे पास एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, इट मींस के लाइट इज कमिंग विदाउट द हेल्प ऑफ अ मीडियम, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। दीज आर नॉन मैकेनिकल वेव्स। तो यहां पर इन्होंने एक नया टर्मिनोलॉजी बना दी, नॉन मैकेनिकल वेव्स। तो मैक्सवेल की थ्योरी आई 1862 में, तो यू कैन सी कि हाइगन की थ्योरी 1638 में आई थी। तो आप सोच सकते हो कि लाइक नियरली 200 इयर्स, 190 सालों के आसपास, इतने लंबे टाइम पीरियड तक हाइगन की थ्योरी को चैलेंज करने के लिए देयर वाज नोबडी। 200 साल तक हम सब ये सोचते आए कि मे बी द लाइट इज अ मैकेनिकल वेव और ऐसा कोई एक फ्लूइड है विच इज येट टू बी फाउंड। लेकिन उसके बाद 1862 में मैक्सवेल ने बोल दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ गई। अब इसके बाद क्या हुआ? अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ गई, सारी की सारी थ्योरी चलती रही भैया, बहुत बढ़िया चल रहा था काम। 1887 में हर्ट्ज केम इनटू पिक्चर और हर्ट्ज ने एक एक्सपेरिमेंट किया विच वाज एलसी ऑसिलेटर बेस्ड। इस एक्सपेरिमेंट की मदद से ही प्रूव्ड दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एग्जिस्ट्स and the theory of Maxwell is absolutely correct। तो इन्होंने मैक्सवेल की थ्योरी को बिल्कुल करेक्ट करते हुए एक एक्सपेरिमेंट किया। बट फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली, कुछ भी कह लो आप, 1887 द सेम ईयर एंड द सेम पर्सन, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया which was later came to be known as photoelectric effect। इनके किसी एक्सपेरिमेंट में गलती से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की डिस्कवरी हो गई। अब ये एक ऐसा फिनोमिना बन गया जिसके बारे में हम ये आज हम पढ़ने वाले हैं, और दिस वाज द फिनोमिना विच स्टूड अगेंस्ट द थ्योरी ऑफ मैक्सवेल। तो यहां पर कहा गया कि भाई देखो, मैक्सवेल की थ्योरी को सही किसने किया? हर्ट्ज ने। और मैक्सवेल की थ्योरी को गलत किसने किया? हर्ट्ज ने। सो फ्रॉम हियर वी स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक विच इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब 1887 की हमने बात कर ली है, ठीक है, अब हम उससे आगे जा रहे हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो 1905 to 7 के आसपास आई एंड इट वाज गिवन बाय आइंस्टीन। तो ये हम बाद में करेंगे, मतलब आने वाले टाइम में, अभी एक दो मिनट के बाद हम ये पता करेंगे। लेकिन उससे पहले हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किए। अब जिनके पास लाइक चलो आपके पास वो बुक नहीं है, बट एनीवेज, तो देयर वर थ्री पीपल, हर्ट्ज, लिनार्ड, ठीक है, एंड देयर वाज वन मोर पर्सन एंड मिसिंग इज नेम, बट एनी वेज चलो फिलहाल आप दो ही मान लो। तीसरा भी एक नाम था, वो आपकी बुक्स में है, आई विल सी इट एंड देन आई विल टेल यू। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। तो अब मैं आपको डायरेक्ट उस एक्सपेरिमेंट की तरफ लेकर जा रहा हूँ कि वट वॉज एक्चुअली हैपनिंग, ठीक है। चलो जी देखते हैं, सबसे पहले
लॉक कर दो, 2 मिनट। तो सबसे पहले दिस काइंड ऑफ एन अरेंजमेंट वॉज क्रिएटेड, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने एक विंडो भी बना दी है, सी हाउ टू मेक इट। ये मैंने विंडो बनाई है, ठीक है ना, ट्रांसपेरेंट विंडो, ओके। और ये जो ग्रीन कलर में मैंने बनाया है, दिस इज एनर्जी, ठीक है ना, वेव से आपको आई। तो दे हैव यूज्ड एक्स रेज एंड वी कैन यूज एनी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आप कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ पर यूज कर सकते हो, बट इन देयर एक्सपेरिमेंट दे वर यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्स रेज, ओके। तो अब इन्होंने एक्सरेज यहां पर लगाया और ये एक मेरे पास एक प्लेट बनी हुई है, दिस इज अ वेरी स्मॉल प्लेट, ठीक है, और इस पे ऊपर एनर्जी आपने डाली। सो नाउ व्हाट हैपेंड कि जब इसमें एक इन्होंने सर्किट कंप्लीट कर रखा था, ठीक है जी, लो जी परफेक्ट डायग्राम बन गया है। अब देखो, अब यहां पर क्या हुआ, ये सर्किट मैंने यहां पर ड्रॉ कर दिया एंड यू कैन सी देयर इज नो बैटरी इन दिस सर्किट, बट यहां पर मैंने एक एम्पियर मीटर बना दिया। ओहो, ठीक है, सो दिस इज एम्पियर मीटर। अब मैं इसको बनाकर मैंने जब यहां से एक्सरेज मैंने जब इसके ऊपर डाली, तो व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम, सुनाओ। ऑब्जर्वेशन हो गई यहां पे, सबसे पहली ऑब्जर्वेशन हो गई, करंट वॉज फाउंड टू बी पासिंग इन द सर्किट। Without battery, battery लगाई नहीं लेकिन करंट यहां पर फ्लो करने लग गया। तो इस चीज को देखकर भी बंदों को बड़ी हैरानी हुई कि what is happening? तो करंट एक्चुअली में ऐसे फ्लो किया, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स आपके बिल्कुल इसके अपोजिट जाएंगे ऑब्वियसली, तो यहां पर मैं इलेक्ट्रॉन बना रहा हूं। तो अब ये जो चीज है, ये कि इनको फिनोमिना पता चल गया, इन्होंने बोला कि यार मैं जब भी लाइट इसके ऊपर डालता हूं तो यहां पर बिना बैटरी के करंट चलता है, एंड दे वांटेड टू एक्सप्लेन दिस फिनोमिना कि व्हाट इज हैपनिंग। तो इस वक्त हमने क्या किया, यहां पे इसको स्टडी किया, ठीक है, और स्टडी करने पर कुछ चीजें यहां पर नोट की। तो सबसे पहले जो मैंने नोट की, दैट वाज कि जो मेरे पास लाइट आ रही थी, इंटेंसिटी एंड द फोटोकरंट। तो मैंने लाइट की सबसे पहले इंटेंसिटी को चेंज किया। बच्चे अभी तक आपने सिर्फ ये याद रखना है कि प्रेजेंटली जो भी लाइट यहां से आ रही है, इट इज ए वेव, ठीक है ना। तो एक्सरेज जो आ रही है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और यहां पर वेव गिर रही है, इट इज नॉट ए पार्टिकल, ठीक है ना। तो ये हमें अब स्टार्टिंग हमारी है इस अंडरस्टैंडिंग के साथ हुई। तो इंटेंसिटी एंड फोटो करंट का जब हमने ग्राफ बनाया, तो हमें कैसा ग्राफ मिलता है, लेट अस सी। तो जैसे जैसे आपने इंटेंसिटी इंक्रीज की, सो दिस काइंड ऑफ अ ग्राफ वॉज मेड, ठीक है। और ये ग्राफ 45 डिग्री एंगल पर नहीं बना हुआ, तो इसको आप बस, इट वाज जस्ट अ स्ट्रेट लाइन, जरूरी नहीं है कितने एंगल पे हो, डिपेंड करता है कि आपका मटेरियल कौन सा है, कोई भी हो सकता है। तो मेरे पास ये आपके पास स्ट्रेट लाइन बन गई, करंट एंड इंटेंसिटी। तो यहां से मैं कंक्लूजन पे जंप होता हूं, व्हाट ठीक है, यहां पर मैंने कंक्लूजन लिखा, द फोटो करंट
फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज होगी ना, व्हाट इज इंटेंसिटी, अब ये हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम कर चुके हैं, एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाज फाउंड टू बी दिस, इसको हमने इंटेंसिटी बोला था भाई। ठीक है, तो इंटेंसिटी कैसे फाइंड की थी ये आप पीछे अपनी बुक में देख सकते हो। दिस वाज द इंटेंसिटी, ई नॉट वाज फाउंड टू बी द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। ई नॉट हमारे पास एम्पलीट्यूड है वेव का, तो ये आपके पास ग्राफ बन जाता है इसका। चलो जी नंबर टू देख लेते हैं। तो नंबर टू मैंने यहाँ पर ड्राइव किया इंटेंसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब मैंने सोचा कि चलो इसमें बैटरी लगा कर देखते हैं, तो यहां पर मैं बनाऊंगा फोटो करंट वर्सेस वोल्टेज के बैटरी कौन सी लगाई। अब यहां पर जो बैटरी आपने लगाई ये दो तरीके से लग सकती है भाई, एक सीधी और एक उल्टी। ठीक है, तो हमने क्या किया यहां पर, केस वन हमने लिया, उसमें हमने इसको सीधा रखा, केस वन पॉजिटिव बैटरी। ठीक है, फिर हमने केस टू, चलो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ समझ लेना है इसको। ठीक है, आई एम नॉट राइटिंग इट। तो पहले हमने सीधी लगा करके लगाई और फिर हमने उल्टी लगाई। तो पहले तो मैंने बैटरी लगाई ऐसे, देखो अब यहाँ ऑब्वियसली हमने ये सोच लिया था कि यहां से कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहे होंगे, और ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन निकल के इस तरफ जा रहे हैं। किसी की स्पीड ज्यादा है, किसी की स्पीड कम है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकलते हुए इस वायर के अंदर जा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन यहां से मूव कर रहे हैं। ये बात तो हमको क्लियर होगी। तो इसको मैंने कर दिया पॉजिटिव इन फर्स्ट केस, और पीछे वाले को मैंने कर दिया नेगेटिव। तो ये मेरा पहला केस था। ठीक है, अब ये पॉजिटिव होने के कारण यहां पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन होगी, तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एंटर करेगा एंड द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग। तो कोई भी, हम ये सोच भी नहीं सकते कि अगर मैंने ऐसी बैटरी लगाई तो मेरे पास कभी वोल्टेज जीरो हो या करंट इन द सर्किट शुड बी जीरो, कभी जीरो हो ही नहीं सकता। अब अगर मैं यहां से बैटरी को रिमूव कर देता हूं, दिस वाज द फर्स्ट केस। सेकंड केस इज के मैंने बैटरी को रिमूव कर दिया तो भी करंट जीरो तो नहीं हुआ, करंट जीरो नहीं हुआ। अब मैंने क्या किया, बैटरी को उल्टा करके लगा दिया, उल्टा ऐसे, मतलब ये पीछे पॉजिटिव और ये पीछे की तरफ हो गया नेगेटिव। सुना, अब देखो आपके जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकला होगा, पॉसिबिलिटी बनती है कि उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, कुछ ना कुछ उसके पास वेलोसिटी होगी, वो यहां से भाग के बाहर निकला होगा, लेकिन उसने एकदम से देखा कि भाई पीछे वाली चीज आपको अट्रैक्ट कर रही है, आगे वाली चीज आपको रिपेल कर रही है, तो इसके ऊपर एक बैकवर्ड फोर्स लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से जाते जाते इसकी वेलोसिटी कम हुई होगी और ये पीछे की तरफ चला जाएगा। कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा नहीं है, वो तो मिडवे से ही रिटर्न कर जाएंगे, और कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे जो फिर भी यहां पर टच करेंगे। इसका मतलब यह है कि करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, और एक ऐसी वैल्यू भी आएगी कि अगर मैंने वो बैटरी लगा दी तो इलेक्ट्रॉन आएगा ये वाला, चलते 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 यहां तक पहुंचकर बस यहीं से ही वापस चला जाएगा और उसके कैथोड के अंदर नहीं जाएगा। तो उस वक्त मैं कहूंगा कि मेरे एम्पियर की, एम्पियरोमीटर की जो रीडिंग है दैट इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू जीरो। तो अगर ऐसा है तो मेरे पास ग्राफ कैसा बनेगा, लेट अस सी। ठीक है, अब देखो अब इसमें मेरे पास कैसा ग्राफ बन रहा है। अब ये एक तरफ तो मैंने कर दिया करंट, इस एक्सिस पर तो हमेशा ही करंट है, और इस एक्सिस पर मैंने लिख दी वोल्टेज कि कितनी बैटरी। तो ये वाली साइड तो हो गई पॉजिटिव और ये वाली साइड हो गई नेगेटिव। नेगेटिव मतलब मैंने उल्टी बैटरी लगाई है, दूसरी तरफ मैंने सीधी बैटरी लगाई है। तो ऐसे केस में अब क्या बनेगा मेरे पास, तो जब मैंने इनको ग्राफ बनाया तो ऑब्वियसली पॉजिटिव वाले केस में तो मेरे पास कोई ना कोई वैल्यू आनी चाहिए, जीरो नहीं होगा, और जब ये जीरो था तब भी ये जीरो नहीं होगा, लेकिन नेगेटिव वाले केस में कुछ ना किसी पॉइंट पर ये जीरो होगा। तो मेरे पास ये ग्राफ बन गया समथिंग लाइक दिस।
ये ग्राफ मेरे पास यहां पर बन रहा है। अब ये अगर ग्राफ बन रहा है, ठीक है, ये मेरे पास पहला ग्राफ बना, एंड लेट अस से दिस इज द इंटेंसिटी, तो इनकी कोई इंटेंसिटी बना ली हमने, इंटेंसिटी वन, सो लेट मी कॉल इट आई वन। तो ये आई वन इंटेंसिटी का यहां पर मेरे पास चीज बन गई। तो अब मेरे पास क्या बनेगा, देखो, अब यहां से मैंने तीन कंक्लूजन निकाले। पहला कंक्लूजन तो मैंने जो निकाला, दैट वाज कॉल्ड सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट। वेट ए मिनट बच्चे, इसको थोड़ा नीचे मूव करना पड़ेगा। इसके ऊपर ना एक्चुअली ग्राफ बनाने का। तो चलो जी, तो सबसे पहला जो मेरे पास कंक्लूजन निकला, दैट वाज सैचुरेशन करंट। अब सैचुरेशन करंट का क्या मतलब है, ये वाला, दिस इज सैचुरेशन करंट, मतलब एक सर्टेन इंटेंसिटी के लिए, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के लिए। अच्छा, यहां पर मैं एक ये भी बात बोल दूं कि मैंने इंटेंस, अच्छा इंटेंसिटी बाद में वेरी करेंगे, चलो। तो अब यहां पर मैं बोल देता हूं कि अगर मैं सारी चीजें कांस्टेंट कर दूं, सिर्फ बैटरी को चेंज कर रहा हूं, तो बैटरी आप जितनी मर्जी बड़ी लगा लो भाई साहब, करंट की वैल्यू तो इतनी रहेगी, बैटरी के कारण करंट नहीं चल रहा है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। तो करंट इज नॉट रनिंग बिकॉज ऑफ बैटरी। तो आपके पास ये जो वैल्यू आ जाती है, इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट। सेकेंड कंक्लूजन यहां पर निकला कि इफ द वोल्टेज इज जीरो इवन देन, इवन देन द करंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, करंट की वैल्यू जीरो नहीं होती ये वाले पॉइंट पर, आप देख सकते हो। तीसरा कंक्लूजन मेरे पास जो निकलता है वो ये है, और इस चीज को मैं लिख बोलता हूं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये बन गया माइनस वी एस, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल मेरे पास आ गया, और यहां पर ये बन गया कि भाई इस पॉइंट पे जाकर गाड़ी रुक गई, द करंट इज बिकमिंग जीरो। तो टू मेक ऑपोजिट, वोल्टेज कह लो या इलेक्ट्रिक फील्ड कह लो, नीड्स टू बी अप्लाइड। ये हमें अप्लाई करना ही पड़ेगा, नीड्स टू बी अप्लाइड, ठीक है ना, टू मेक द करंट इन सर्किट जीरो, द अपोजिट वोल्टेज नीड्स टू बी अप्लाइड, दैट वोल्टेज इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये मेरे पास बन गया मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब यहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल पहुंचने पर ये मेरे पास, यहां पर करंट मेरा हो गया जीरो। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग, फर्स्ट कंक्लूजन दैट वी हैव ड्रॉ। अब हमने इसके अंदर कुछ चेंजेस की, ठीक है, तो अब चेंजेस क्या क्या हुई हैं, अब हम ये देख रहे हैं। सो लेट मी कॉल इट टू ए। तो टू ए में मैंने क्या किया, वेरीड द इंटेंसिटी, सेम फ्रीक्वेंसी, वेरिएबल, सेम फ्रीक्वेंसी का मतलब है मैंने कलर सेम रखा। मतलब अगर मेरी येलो कलर की मैं लाइट डाल रहा था, तो येलो कलर की ही लाइट डालूंगा। अगर मैं एक्सरेज यूज कर रहा था, तो एक्सरेज ही यूज करूंगा, कोई और चीज नहीं यूज करूंगा। लेकिन वेरिएबल इंटेंसिटी, जैसे कि मैं लेजर लाइट की बात करूं, रेड कलर की होती है, तो एक आपका नाइट बल्ब होता है रेड कलर का, तो वो जो रेड कलर का लाइट दे रहा है उसकी तो कोई शक्ति है ही नहीं। लेकिन अगर लेजर लाइट अगर चली जाए, तो लेजर लाइट इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, उसकी इतनी ज्यादा इंटेंसिटी है कि अगर हमारी आंख में पड़ जाए तो आंख खराब हो सकती है, इट इज दैट हार्मफुल। तो वो जो लेजर है आपके पास, इतनी ज्यादा खतरनाक इक्विपमेंट है, तो वो जो इक्विपमेंट आपके पास बन गया, तो उसकी इंटेंसिटी हाई है, तो मैं अब उसको यूज कर रहा हूं, तो आई एम वेरी वेरिंग द इंटेंसिटी। तो अब मेरे पास इस ग्राफ में क्या क्या चेंजेस आती हैं, मैं ये देखता हूं। किधर गया, ओह शिट, इसको मुझे पहले सेट करना पड़ेगा।
ओके सो दे आए हैं। तो इस वैल्यू को अब हम देखते हैं। अब मेरे पास ये वाला ग्राफ बन गया, तो इसमें अब क्या क्या चेंजेस आने वाली हैं, अब मैं ये देखूंगा, ठीक है ना। तो ये मेरे पास है इंटेंसिटी वन, इसको मैंने इंटेंसिटी वन लिख दिया। अब मैं इससे हायर इंटेंसिटी की तरफ जाता हूँ, ठीक है। तो मेरे को ग्राफ कैसा मिला, मुझे ग्राफ मिला ये। ऐसे तो अब सेचुरेशन करंट की वैल्यू मेरे पास इंक्रीज हो गई। तो मुझे अब ये बात तो पता थी कि भाई मेरा ये वाला जो ग्राफ आया है, ये ग्राफ मुझे बताता है कि इंटेंसिटी को ज्यादा करोगे तो करंट की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, देर इज नो डिफरेंस, देर इज नो क्वेश्चन इन इट। तो यहां से जब मैं इंटेंसिटी को मैंने इंक्रीज किया, तो सेचुरेशन करंट की वैल्यू तो मेरी इंक्रीज होनी ही होनी थी, ये बात की तो मुझे गारंटी थी। अब मैं यहां पर एक और बना लेता हूं, इससे लोअर इंटेंसिटी की मैं बात करता हूं, तो ये बन गया। तो इसको मैं लिख लेता हूँ आई नॉट, लिख देता हूँ चलो एनीवेज I0। तो 0, 1, 2 इस प्रकार से मेरे पास बन गया। और यहाँ पर लिखता हूँ कि इंटेंसिटी टू इज मोर देन इंटेंसिटी वन, मोर देन इंटेंसिटी नॉट, इस बात को हमें याद रखना। तो ये मेरे पास ग्राफ बन गया तीनों का, ठीक है जी, अलग अलग इंटेंसिटीज आती। तो अब मैं यहां से क्या चीज नोट करूंगा, तो सबसे पहली चीज जो मैंने यहां पर नोट की वो ये किया कि सैचुरेशन करंट इंक्रीजेस विद इंटेंसिटी, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें, तो ये तो पहले ही था कंक्लूजन मेरे पास। लेकिन सेकंड चीज ये है कि इन स्पाइट ऑफ इंक्रीजिंग इंटेंसिटी, इन स्पाइट ऑफ इंक्रीजिंग इंटेंसिटी, ठीक है ना, दी स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट इंक्रीज, डज नॉट वेरी और इंक्रीज। तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रही है, हमारे स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई चेंजेस नहीं हो रही, स्टॉपिंग पोटेंशियल जितना था ये उतना ही रह रहा है, आगे पीछे नहीं मूव कर रहा, करंट यहां पर वाली जो जा रही है वो तो जा ही रही है। तो इससे हमें ये बात क्लियर हो गई कि भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है उसका कोई भी लेना देना इंटेंसिटी के साथ तो है नहीं, ठीक है ना। तो यहां से मैंने ये लिख दिया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज नॉट रिलेटेड विथ ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए मुद्दा बन गया कि ऐसा क्यों, क्योंकि अगर मैं देखो सिंपल बात यह है कि मेरे पास जो यहां पर हो रहा है हो तो यही रहा है ना कि लाइट इसके ऊपर गिर रही है, ऑब्वियसली लाइट ने इसको कोई ना कोई एनर्जी दी होगी, एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन बाहर आया होगा और वो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी की स्पीड पे मूव करने लग गया होगा, गेम तो यही हुई होगी। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये बन गई कि अगर आपने इंटेंसिटी इंक्रीज की ताकि एनर्जी इंक्रीज की, तो एनर्जी इंक्रीज करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल पर क्यों नहीं वेरी हो रहा। दूसरी चीज हमें ये पता चल गया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का डायरेक्ट रिलेशन काइनेटिक एनर्जी के साथ ही होगा, कैन बी डायरेक्टली रिलेटेड विद द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। कहने का मतलब क्या कि जैसे जैसे मान लो मैं इसको उल्टी बैटरी लगाकर मैंने इसको कम करने की कोशिश की, तो जिस इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी कम थी वो तो रास्ते से ही वापस उड़ गया, लेकिन जिसके पास बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी थी वो तो यहां पर पहुंच गया। अब वो भी ना पहुंचे इसके लिए मुझे यहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ा, तो ताकि वो जो वोल्टेज है, वो जो इलेक्ट्रॉन है मेरे पास पहुंच ना पाए, तो मुझे पर्टिकुलरली वही वाली वोल्टेज अप्लाई करनी पड़ी। इसका मतलब यहां पर जितने भी इलेक्ट्रॉन है सबकी काइनेटिक एनर्जी अलग अलग थी, और जो ये वाली वोल्टेज है वो बिल्कुल इस काइनेटिक एनर्जी को पर्टेन करता है। तो ये तो दो चीजें तो मुझे पता चल गई कि काइनेटिक एनर्जी से ही करेगा। और एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो यूनिट है
वो ऐसे ही बनता है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन को जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिली होगी, जो सबसे तेज था, उसकी कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, ई इंटू वी एस होगी, जो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल था। तो यहां तक तो हमें अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, चलो ठीक है, कंक्लूजन भी मिल गया। अब इसके बाद हमने क्या किया, हमने कहा कि चलो यार इंटेंसिटी चेंज करके देख ली, अब हम फ्रीक्वेंसी चेंज करके देखते हैं। अब मेरे पास आ गया 2B, चेंजिंग फ्रीक्वेंसी। अब पहले क्या था मेरे पास, सेम फ्रीक्वेंसी वेरिएबल इंटेंसिटी, लेकिन अब मैंने फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी, लेकिन इंटेंसिटी के बारे में मैं अभी कुछ भी चीज नहीं लिख रहा हूं। इस बात को ध्यान में रखना है, बहुत ज्यादा जरूरी है ये चीज। तो इसके अंदर आगे दो केसेस बनेंगे। तो सबसे पहला केस जो मेरे पास यहां पर बनता है, उसमें करता हूं मैं सेम इंटेंसिटी, अगेन मेरे पास यही वाला ग्राफ है, ठीक है। तो अब मैं सेम इंटेंसिटी की बात करता हूं, इसी में कुछ चेंजेस करेंगे, व्हाट विल बी दोस चेंजेस। अब इंटेंसिटी मैंने सेम रखी, तो सबसे पहले तो ये वाला मेरे पास बन गया, ठीक है। और चलो यही वाला बना देते हैं। अब इसके साथ में मेरे पास दो 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 और बन गई। अब मैंने चेंजिंग फ्रीक्वेंसी मतलब हायर फ्रीक्वेंसी मैंने जब लिया, तो ये मेरे पास पॉइंट शिफ्ट कर गया। अब इंटेंसिटी सेम है बच्चों, ऐसे करके, ठीक है। और अब अगर उसके भी पीछे चला जाऊं या इसके आगे चले जाते हैं, थोड़ा शार्प बन जाएगा ये। तो ये मेरे पास तीन चीजें बन गई। तो इसको मैंने लिख दिया स्टॉपिंग पोटेंशियल 1, ग्रीन वाले को लिखूंगा मैं 2, और जो ऑरेंज में है दैट विल बी दी 3, यस 3। और इनकी जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी बन रही है, ये वाला बना दिया मैंने 1 बना दिया। वेट अ मिनट, इसको मैंने 1 लिख दिया, इसको मैंने 2 लिख दिया, इसको मैंने 3 लिख दिया। तो बेसिकली हो क्या रहा है, 1 की जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज्यादा है, तो सॉरी सबसे कम है, तो 3 की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है 2 से, 2 की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है 1 से, तो 1 की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल कम है। और इंटेंसिटी इन सभी केसेस में सेम है बच्चे, ये आपने याद रखना है, सेम इंटेंसिटी। और मेरे पास ग्राफ कुछ इस तरह का बन रहा है, ठीक है ना, आगे पीछे ग्राफ बन गया। तो अब ये क्या गड़बड़ हो गई, अब सैचुरेशन करंट भी सबके अलग अलग बन गए और चीज भी लग गई, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसके बाद एक और ग्राफ बना रहा हूं। तो मैंने कहा कि यार सेम इंटेंसिटी की बात नहीं बन रही, तो पॉइंट नंबर 2 ले आओ और इसमें हम लिख देंगे सेम सैचुरेशन करंट। करंट सेम कर दो आप, ये तीन अलग अलग करंट लेकर आने की जरूरत नहीं है, इनको सेम उसमें करने की कोशिश करते हैं। तो अब मेरे पास ये, ओहो, अब मेरे पास ये कैसा बना इसको देखेंगे। अब सैचुरेशन करंट तो मेरे पास सेम हो गया, वो तो यही आ गया, लेकिन अगर मैं अलग अलग की बात करूं तो मेरे पास अब वो आ रहा था ऐसे, ठीक है। एक ये बन गया और उसके आगे वाला अगर मैं देखूं तो एक ऐसे, तो ये सारे के सारे ऐसे बन रहे थे। और मेरे पास तीन अलग अलग बन गए, इसको मैंने लिख दिया VS2 और ये मैं लिख देता हूँ VS3। तीन अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल बन गए, VS1, VS2, VS3, जबकि सैचुरेशन करंट बिल्कुल सेम है। यहां पर मैंने लिख दिया सेम
बच्चों आपने इस बात पे ध्यान रखना है, बुक्स में यहीं पर गलती है, ग्राफ में, बड़ी बुक्स में गलती है। ये वाला ग्राफ किसी भी बुक में नहीं गिवन है, और ये वाले ग्राफ को यहाँ पर इन्होंने सेम सेचुरेशन करंट की जगह सेम इंटेंसिटी लिखा होता है, लेकिन वो गलत है। तो आपने यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है ना। सीबीएसई कुछ क्वेश्चन पर्टिकुलरली इसी पॉइंट पे आए हुए हैं और बच्चों ने गलत किए हैं, उसके पीछे रीजन ही है, तो इसको आपने ध्यान रखना। तो अब मेरे पास यहाँ पर सेम इंटेंसिटी में ये वाले ग्राफ बन रहे हैं और सेम सेचुरेशन करंट पे ये वाले ग्राफ बन रहे हैं। अब क्या ऑब्जर्वेशन मेरे पास क्या है इनको देखते हैं। तो सबसे पहले जो ऑब्जर्वेशन है मेरे पास वो ये है कि बाय चेंज इन फ्रीक्वेंसी या बाय इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, बाय इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस। बच्चों बात सही होगी, जैसे जैसे मैंने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया है वैसे वैसे मेरे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल यहां पर इंक्रीज हो रहा है। यहां पर मैंने लिख दिया फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 इज मोर देन 2 इज मोर देन 1, सेम चीज है। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी स्टॉपिंग पोटेंशियल भी मेरा इंक्रीज होगा। नंबर टू, सेम इंटेंसिटी of different frequencies do not give same current. तो इनका करंट सेम नहीं है भाई, सैचुरेशन करंट इनके केस में अलग अलग है जबकि मेरे पास इंटेंसिटी सेम है। इंटेंसिटी सेम होते हुए भी मेरे पास अलग अलग करंट है, ठीक है भाई। अब इसके आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब ये जो चीजें थी अब ये हम हमसे एक्सप्लेन नहीं होनी कि भी हम ये कैसे करेंगे। अब देखो यहां पर मैं रुकता हूं, ठीक है ना, टू बी हो गया। अब यहां पर एक मैं आपको बताता हूं कि हमारी प्रेजेंट थ्योरी क्या है, ठीक है ना बच्चों। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक्सरे इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एंड फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारी जो इंटेंसिटी है उसका फॉर्मूला जो मैंने अभी आपके सामने लिखा था दैट वाज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इनटू सी, ये हमारे पास था, ठीक है। दूसरी चीज हमने ये बात इसमें अभी तक अंडरस्टैंडिंग ये है कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगर इंटेंसिटी को इंक्रीज करना है तो अगर मैं बोलूं आपको कि ये इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दो तो क्या करोगे, हाफ एप्सिलॉन नॉट सी, ये तो सारे के सारे कांस्टेंट है, तो आई कैन राइट इट एज कांस्टेंट इनटू द एम्पलीट्यूड की स्क्वायर, बिकॉज ई नॉट क्या है, ई नॉट इज द एम्पलीट्यूड, ई नॉट इज द एम्पलीट्यूड। तो मेरे पास इंटेंसिटी का फॉर्मूला बनता है I इक्वल टू के ए स्क्वायर, तो एम्पलीट्यूड को अगर आपने इंक्रीज कर दिया तो इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। सो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टू इंक्रीज intensity amplitude of wave has to be, और amplitude increase करने का method क्या है, superposition, superposition, superposition is the only way to increase amplitude. तो एम्पलीट्यूड अगर आपको इंक्रीज करना है तो सुपर पोजिशन हमें करवानी पड़ेगी, जो कि हमने 11th में किया था कि मेरे पास अगर लाइक एक वेव है ये और एक वेव मेरे पास और है, और अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं एक्चुअल में सुपर इंपोज करता हूं विदाउट एनी फेज डिफरेंस, तो मेरे पास एक नई वेव बन जाती है जो कि बिल्कुल इसके डबल हो जाती है। This is what I have studied in 11th standard. हाँ भी बच्चों ये 11th standard में किया था, याद है आप लोगों को कि नहीं याद है, नहीं याद, चलो याद है, वेरी गुड।
तो ये एम्पलीट्यूड हमारे पास इंक्रीज हो गया, इसको A1 एम्पलीट्यूड लिख दिया, इसको A2 लिख दिया, तो इसको मैं A लिखता हूँ। तो एक्चुअल में यहाँ पर फॉर्मूला होता है A स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर ट्वाइस ऑफ A1 A2 cos phi वेयर phi इज द फेज डिफरेंस। तो अगर मैं phi को जीरो कर दूं तो मेरे पास परफेक्ट केस बन जाता है A स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ A1 A2। तो यहां से बन जाता है कि A इज इक्वल टू A1 प्लस A2। ये मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ठीक है ना। A1 तो ये बन जाता है A1 प्लस A2 की होल की स्क्वायर, उसका दोनों का स्क्वायर रूट ले लिया तो आपके पास बन जाता है A1 प्लस A2। तो दिस इज द वे इन व्हिच द एम्पलीट्यूड कैन बी इंक्रीज्ड। तो ये मेरे पास प्रेजेंट अंडरस्टैंडिंग है भाई कि अगर मेरी इंटेंसिटी है तो पहली बात वो एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और अगर मुझे उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज करना है तो एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करना होगा। तो मैं अब हमारी पुराने वाली थ्योरी पे आ जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि अगर मैं इंटेंसिटी को इंक्रीज डिक्रीज कर रहा हूँ तो बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, मैं सुपरपोजिशन करवा रहा हूँ, अदरवाइज इंटेंसिटी इंक्रीज नहीं हो सकती किसी भी तरीके में। बच्चा लोग यहां तक बात क्लियर है? जी सर। लेकिन अगर मैं अपनी इस थ्योरी को करेक्ट मानूं तो मैं इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूं कि मेरे पास यहां पर एनर्जी कितनी है। तो आप कहोगे कि सर एनर्जी तो आपकी जो प्लैंक्स कांस्टेंट वाली एनर्जी है वो तो आपकी एच न्यू आ रही है, ठीक है ना, या इसको हम बाद में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो बेसिकली जो मेरे पास एनर्जी जो यहां से आ रही है वो एनर्जी इंक्रीज होगी वेव की। अगर वेव की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, अगर लो एनर्जी का भी फॉर्मूला मैं यहां पे लिखता हूं पहले, तो वो हम पहले कर चुके हैं, अभी अभी तो करके आए हैं, हाफ एफ सारे नॉट ई नॉट स्क्वायर। हमारे पास एवरेज एनर्जी डेंसिटी थी, है एवरेज टोटल एनर्जी डेंसिटी, इट वाज दिस। तो ये हमारे पास जो फार्मूला था इसमें आप देख सकते हो कि एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैंने एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर दिया तो एनर्जी इंक्रीज कर दी, अगर एनर्जी इंक्रीज कर दी तो भाई आप सोच के देखो कि यहां पर मेरे पास जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, यहां पर जो मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा। अगर मैंने एनर्जी इंक्रीज कर दी तो मेरे इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी मिलनी चाहिए ना, यहाँ पे हायर एनर्जी की वेव यहाँ पर आकर गिरी तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी मिलनी चाहिए थी, ज्यादा एनर्जी मिलनी चाहिए थी तो उसको ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलनी चाहिए थी, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलनी चाहिए थी तो मुझे बड़ी बैटरी लगानी पड़ती इसको रोकने के लिए। तो अगर मैं इंटेंसिटी को इंक्रीज करता हूं तो मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम कैसे रह सकता है, ये गलत हो गया। तो यहां से मेरे पास सिस्टम बन जाता है कि अगर मेरे पास ये है तो मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर पाता हूं कि हायर इंटेंसिटी जो है उसको भी मेरे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, इट इज नॉट जस्टिफाइड। फिर ये वाली बात भी जस्टिफाई नहीं हो पाती है, तो इनको अब कैसे जस्टिफाई किया गया, ठीक है ना। तो मैं यहां पर लिखता हूं कि इफ द अबव थ्योरी इज राइट, ठीक है, द स्टॉपिंग पोटेंशियल मस्ट इंक्रीज विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी को इंक्रीज किया तो मेरे पास ये आना चाहिए, तो मतलब मैं यहां पर लिख सकता हूं कि इंटेंसिटी को इंक्रीज किया, इसका क्या मतलब हो गया, मेरे पास एनर्जी को इंक्रीज किया, इसका क्या मतलब हो गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन शुड बी मोर, इसका क्या मतलब हो गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल शुड बी मोर। तो ये मेरे पास पूरी की पूरी कहानी बननी चाहिए, बट इट इज नॉट कमिंग आउट टू बी दिस, सो दिस इज रॉन्ग। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन टू दिस, तो यहां पर हमारे पास सॉल्यूशन बन गया एंड दिस सॉल्यूशन वॉज गिवन बाय आइंस्टीन। तो अब आइंस्टीन ने किसकी थ्योरी यूज की, देखो तो आइंस्टीन के से पहले लाइक 1898 में प्लैंक बंदा आ चुका था जिसने प्लैंक्स कांस्टेंट बनाया। तो प्लैंक ने, इसमें सी नहीं पड़ता ना, तो प्लैंक ने क्या किया, ई इज इक्वल टू एच न्यू वाली थ्योरी दे दी थी। प्लैंक हैव सेड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी तो
तो इन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि जो लाइट ट्रेवल करती है तो वो एनर्जी पैकेट्स के रूप में ट्रेवल करती है, इट डज नॉट ट्रेवल इन इन इट डज नॉट ट्रेवल लाइक वेव्स। तो इन्होंने एक नया प्रपोजल दिया था जिसके ऊपर अभी काम चल रहा था, ठीक है ना। किसी के साइंटिस्ट की यस नहीं आई थी, मतलब यस कहने का मतलब थ्योरी वाज एक्सेप्टेड, बट किसी और ने, जैसे हर्ट्स ने किया था एक्सपेरिमेंट, किसी का एक्सपेरिमेंट नहीं आया था इन बातों को सब्सटेंशिएट करने के लिए कि नहीं नहीं यार तुम 100% करेक्ट हो, ये बात नहीं कही जा रही थी, जनता अभी कंफ्यूज थी। सो नाउ आइंस्टीन ने इनकी थ्योरी को यूज किया। तो व्हाट आइंस्टीन सेड दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स एज एट वेव एट द स्पीड ऑफ लाइट एज गिवन बाय मैक्सवेल। इतनी स्पीड पे वेव बन के ट्रेवल करते हैं, बट व्हेन इट स्ट्राइक्स, समवेयर इट कन्वर्ट्स इट सेल्फ इंटू एनर्जी पैकेट्स। तो इन्होंने उसको एक अपनी थ्योरी बना दी और नाम रख दिया फोटोन, लेकिन वो थ्योरी थी किसकी, प्लैंक की थी, लेकिन आइंस्टीन ने अपने नाम पर रखवा दिया वही सब कुछ। तो अब उन्होंने बोल दिया कि फोटोन होता है और ये बनती है। सो ही सेड, सो जो एनर्जी है उस वेव की, दैट विल बी गिवन बाय एन इंटू एच न्यू, वेयर एच न्यू इज एनर्जी ऑफ वन फोटोन। तो E इज इक्वल टू एच न्यू है एनर्जी ऑफ वन फोटोन, लेकिन अगर मैं बहुत सारे फोटोन को इकट्ठे कर लूंगा तो मेरे पास एनर्जी बन जाएगी एन इंटू एच न्यू, ये मेरे पास बन गया एनर्जी। तो यहां से अगर मैं इंटेंसिटी का फॉर्मूला डिराइव करता हूं तो वो बन जाता है एन इंटू एच न्यू डिवाइडेड बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय टी। तो ये बन जाता है जो मैं अभी तक पिछली पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मैंने इंटेंसिटी का फॉर्मूला यूज किया था, तो मैंने एनर्जी को ये वाली वैल्यू पुट नहीं की थी, हाफ एफ साइलन नॉट ई नॉट स्क्वायर वैल्यू पुट की थी, ये वैल्यू पुट नहीं की, लेकिन अब मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर दी आइंस्टीन के कहने पे। तो इसने बोला कि इसका मतलब ये हुआ कि इंटेंसिटी के पास दो फैक्टर हैं, बाकी सारा कुछ तो कॉन्स्टेंट है, एरिया भी कॉन्स्टेंट मान लो, एच भी कॉन्स्टेंट है, टी भी कॉन्स्टेंट मान लो, टाइम, तो मेरे पास मतलब आप यू दो फैक्टर बना सकते हो, कौन कौन से, एन एंड एच, एन एंड म्यू। तो मतलब इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी एंड नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है ना। तो फिर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बोला कि वन फोटोन कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय वन इलेक्ट्रॉन। भाई एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को ही एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। और इन्होंने अपनी एक थ्योरी दे दी, कौन सी थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। भाई एच न्यू मेरे पास टोटल एनर्जी थी, वो आया वर्क फंक्शन चला गया और मुझे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम दे गया। दिस वाज द इक्वेशन दैट वाज गिवन बाय आइंस्टीन। अच्छा टॉपिक थोड़ा सा लंबा खींचेगा, मुझे लग रहा है कि आपका टाइम ज्यादा ही हो गया है 10 मिनट्स, लेकिन अभी लाइक 10 मिनट और लग सकते हैं, चलेगा ठीक है। तो अब ये मेरे पास ये वाली इक्वेशन बन गई, एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन इन दिस। तो यहां पर मैं वर्क फंक्शन की आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूं। अगर आप में से किसी को कोई काम हो तो आप जा सकते हो, मुझे कह सकते हो कि सर मुझे जाना है, आप बाद में रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना, लेकिन अगर आप तीनों के तीनों ही जा रहे हो तो फिर मैं भी जा सकता हूँ, ठीक है ना। तो अगर आप में से कोई बैठ रहा है यहाँ पे तो इट इज ओके, आई कांट फोर्स यू कि भी आप बैठे ही बैठो, ठीक है ना, मुझे बता देना। तो वर्क फंक्शन इज डिफाइंड एज
मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड सो दैट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारे पास आ जाए उसके लिए जो हमें मिनिमम एनर्जी लेनी पड़ेगी उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो ये मेरे पास बन गया एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी एंड इट इज डेफिनेटली। अब देखो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इसने लिखा है तो यहां पर हमारे पास मिनिमम है तो है। तो मिनिमम वर्क फंक्शन मतलब अब मान लो आपके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो जो बिल्कुल आउटर बाहर ही पड़ा होगा उसको फोटोन जल्दी मिल जाएगा तो उसको बाहर निकलने के लिए एनर्जी कम चाहिए। तो बड़ी ही कम एनर्जी लेते हुए वो बाहर निकल गया और बाकी शेष बची हुई एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो दिस इज द मिनिमम एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू गेट आउट ऑफ द एटम एंड दिस इज द एनर्जी व्हिच इज लेफ्ट जिसको वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा और आगे लेकर जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। एच न्यू इज द एनर्जी ऑफ फोटोन, वन फोटोन दैट इज ब्रोकन बाय दिस इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस, तो वर्क फंक्शन को मैं यहां पर लिख देता हूं मिनिमम, ठीक है ना, ब्रैकेट में ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो मिनिमम से ही क्लियर होगा प्लस काइनेटिक एनर्जी कौन सी मैक्सिमम। एंड अगर मैं ये इक्वेशन लिखता हूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग विद डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी, बट देयर इज वन इलेक्ट्रॉन व्हिच इज हैविंग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जिसके रुके बिना करंट आपका जीरो नहीं हो रहा, उसको रोकना जरूरी है। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बना लिया तो मेरे पास बन गई ये। तो यहां पे समझ में आ गया सबको? ठीक है, हाँ भाई, हाँ जी सर, है ना। तो अब इसके आगे बैठना है कि जाना है बोलो। चलो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पर हम क्लोज करते हैं, दिस इज द राइट टाइम टू क्लोज। अगर हमें क्लोज करना है तो अभी कर दो, नहीं तो फिर इसके बाद फिर से बहुत बड़ा एक खुल जाएगा, ठीक है ना। तो हम बाकी की चीज कल करेंगे, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे सारी की सारी थ्योरी। ठीक है बच्चों, अभी यहाँ पर अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कुछ बोलना चाहते हो कहना चाहते हो तो कह सकते हो। रिकॉर्डिंग मैंने